कि हम लोगों ने सबको जागरूक किया, जागरूक इतना कर दिया कि अब गांव का गरीब जो अशिक्षित भी है वह भी अपने अधिकार को जानना पहचाना चालू कर दिया। तो हम लोगों ने कहा जो गरीबों के लिए बंद ताला है उसको खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो यही बात से निर्माण हुआ कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है, और उस पैरों में जो बेड़ी लगी है उसमें ताला लगा है। अब हमको चाबी की आवश्यकता थी, हमने चाबी लिया और उसी चाबी से हर दरवाजे खोलेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। मोदी जी आज लाल किले से यूसीसी की बात की है, यूसीसी पे आपका क्या विचार है? देखिए माननीय मोदी जी ने अभी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ही घोषणा नहीं, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, हमारा फोकस उस पर होता है क्योंकि हर बार घोषणा होता है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर वर्तमान सरकार में घोषणा तो पहले भी बहुत होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर देश टकटकी लगा करके टीवी स्क्रीन पर देखता था और सुबह पेपर का इंतजार करता था, पेपर आवे हमें समझने का प्रयास करें कि आखिर सरकार ने हमारे लिए क्या किया। पहले घोषणा होता था और आज उस घोषणा पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, उस पर पहल भी होता है, उस पर काम भी होता है। सिर्फ एक ही बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया, देश की गरीबी पर, देश की बेरोजगारी पर, देश की शिक्षा पर, देश की सेना पर और अपने अंदर जो वह सुरक्षा है उसको भी लेकर तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई। कहीं ना कहीं उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज ये सबसे शुभ अवसर स्वतंत्रता दिवस का हम सब लोगों को हम बधाई भी देते हैं।